सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किए मैराथन शिलान्यास व लोकार्पण। उप स्वास्थ्य केंद्र जल मंदिर व दो कक्षाओं का शिलान्यास किया है। स्कूल में स्टेज, टीन सेड व नव कर्मोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण किया गया है। हाईवे से गांव के मुख्य चौक होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर राजकुमार को बाइक व गाड़ियों के काफिले और डीजे के साथ लेकर समर्थक पहुंचे। ग्रामीणों ने विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का पुष्प वर्षा व फूल मालाओं और साफा पहनाकर स्वागत किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। पंचायत समिति सदस्य कमल किशोर महिला व सरपंच संतोष विद्याधर गुरावा की अगुवाई में स्वागत कार्यक्रम हुआ। प्रधानाचार्य सुनील कुमार शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि नारसिंघानी में 41 लाख की लागत से राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनेगा। नारसिंघानी के खेल मैदान में विधायक कोष से 10 लाख रुपए के विकास कार्य होंगे। 1.5 करोड़ की लागत से नारसिंघानी और 1.33 करोड़ की लागत से बलरिया में पेयजल व्यवस्थाओं का विस्तार होगा। करीब 1.5 करोड़ की लागत से नारसिंघानी में बनेगी 33 KV विद्युत सब स्टेशन। बिना भेदभाव के प्रत्येक गांव और ढाणी में विकास कार्य करवाया जाएगा। डॉक्टर राजकुमार शर्मा व प्रधान दिनेश सुंडा ने 2 दर्जन से अधिक भामाशाहों का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुजर, विद्युत एक्शन हरियाम कालेर, BCMO डॉक्टर गोपीचंद जाखड़, गुगन सिंह शेखावत, मूलचंद सैनी, सोहनलाल नायक, उप सरपंच सुभाष महला सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पुरातन छात्रा रितु मोदी पुत्री दीपक मोदी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि निर्देशक जगपाल सिंह यादव थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंध निर्देशक राम सिंह नेहरा ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरपालिका उपाध्यक्ष अभय सिंह बडेसरा और संस्था सचिव प्रदीप नेहरा थे। कार्यक्रम में प्रिंसिपल प्रमोदनी दुबे, प्रधानाचार्य परमिला झाझड़िया, ममता नेहरा ने ऋतु का माल्यार्पण कर और तिलक लगाकर सम्मान किया। अतिथियों ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। निर्देशक जगपाल सिंह यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। छात्रा ने बताया कि संस्था में विषय को इतनी बारीकी से पढ़ाया जाता है कि हमारी नींव मजबूत होती है, जिससे हमें आगे बढ़ने का हौसला और प्रोत्साहन मिलता है। उसने कॉमर्स पढ़ाई वाले व्याख्याता कन्हैया लाल लाठ, मनोज शर्मा, मुकेश वर्मा का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में एकेडमिक हेड RC मिश्रा, गुलजार खान, सुरेश बालोठिया, राकेश मान, सुरेश यादव सहित समस्त स्टाफ व विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां समंदर में गोताखोर लगाता है, साझा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। टोल बंद होने पर बाटी मिठाई, मनाई खुशियां। गाड़ाखेड़ा व पचेरी टोल बूथ को बंद करने के आदेश के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को गाड़ाखेड़ा टोल बूथ पर जश्न मनाया। किसान सभा के पदाधिकारी, सदस्यों और धरनार्थियों ने टोल वसूली को बंद होने की खुशी आपस में लड्डू खिलाकर जीत का जश्न मनाया है। सड़क मार्ग पर आने वाले लोगों को भी लड्डू वितरित किए गए। टोल पर संघर्ष की जीत पर किसान एकता, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस अवसर पर किसान सभा चिड़ावा तहसील के राजेंद्र सिंह चाहर ने कहा कि 66 दिन के लंबे संघर्ष के बाद टोल वसूली बंद हुई है। इस कंपनी ने जो भी अवैध लूट की है उसका पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मामला हाई कोर्ट में है। इस दौरान ब्लॉक प्रभारी बजरंग लाल बराला, उपाध्यक्ष महावीर यादव कलगांव, सह सचिव शिव कुमार तंवर, कोषाध्यक्ष महेश चार, लोक कलाकार विजेंद्र शास्त्री, करमवीर चाहर, बनवारी लाल, कपिल तेतरवाल, जय सिंह हलवाई, जयंत चौधरी, गिरधारी खटाणा, मुंशी राम गोवर्धन चाहर, सौरभ कटारिया आदि मौजूद रहे। आज पूरे जिले में खुशी का माहौल है और लाल चौक पे तो आज खुशी का ठिकाना ही नहीं है और लोगों में आसपास में खुशी की लहर फैल गई है। 66 दिन तक जो इतना लंबा धरना चला, उस धरने की
सफलता के बाद जब 66 में जो अनशन और अनशन चालू किया तो क्षेत्रीय प्रशासन जिला प्रशासन हरकत में आया और उस चीज को देखते हुए अनशन को देखते हुए जो अनशन की अवधि 10 अगस्त तक के लिए इन लोगों ने रिपोर्ट की थी उसको राज्य सरकार ने सचिव महोदय ने और उसको कल रात 12 बजे उसको बंद करने के टोल को बंद करने के आदेश दे दिए। ये हमारे बहुत बड़ी खुशी है, ये हमारे संघर्ष की जीत है। झुंझुनू जिले के छावसरी के जावाज अनिल कुमार की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, भारत माता के जयकारों से गूंज उठा आसमान। झुंझुनू जिले के छावसरी गांव के जाबाज सीआरपीएफ जवान अनिल कुमार की पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव पहुंचने पर सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। शुक्रवार को शाम उनकी पार्थिव देह दिल्ली पहुंच गई थी। देर रात पार्थिव देह गुड्डागोड़जी थाना लाई गई। आज शनिवार सुबह पार्थिव देह गाँव पहुंची। इस दौरान गुड्डागोड़जी से छावसरी तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा व अंतिम यात्रा के दौरान बहुत बड़ी तादाद में जनसैलाब उमड़ पड़ा तथा भारत माता के जयकारों से आसमान गूंज उठा। आपको बता दें सीआरपीएफ के जाबाज अनिल कुमार का श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से इंतकाल हो गया था। जाबाज अनिल कुमार की अंतिम यात्रा में पूर्व सैनिक परिवार व राष्ट्रीय समाज बल के साथी राष्ट्रीय ध्वज के साथ शामिल हुए। इस दौरान उनके परिवारजनों के साथ क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, जिला प्रवक्ता पवन शर्मा गुड्डा, पूर्व विधायक सुपकरण चौधरी, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जयसिंह माठ, मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह शेखावत, जिला परिषद प्रतिनिधि सत्यपाल मावलिया, अजय भालोटिया, सरपंच विजयपाल धनखड़, अभिलेख धनखड़ सहित हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे व ग्रामीण मौजूद रहे। झुंझुनू में नॉन ब्रांडिंग खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने का विरोध शुरू हो गया है। जीएसटी के विरोध में शनिवार को झुंझुनू का छावनी बाजार बंद रहा। गल्ला व्यापारी संघ छावनी बाजार ने विरोध जताया है और सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। खाद्य सामग्रियों पर प्रस्तावित 5% जीएसटी का प्रदेश स्तर पर विरोध किया जा रहा है। गल्ला व्यापारी संघ के अध्यक्ष आनंद तिबड़ा ने बताया कि पूरे देश में इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। यह निर्णय छोटे निर्माताओं एवं व्यापारियों के मुकाबले बड़े ब्रांड के व्यापार में वृद्धि करेगा और आम लोगों द्वारा उपयोग में लेने वाली वस्तुओं को महंगा करेगा। दरअसल अब तक ब्रांडेड नहीं होने पर विशेष खाद्य पदार्थों, अनाज आदि जीएसटी से बाहर थे। अब काउंसिल के इस निर्णय से प्री पैक प्री लेबल वस्तुओं का जीएसटी के दायरे में लाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से नॉन ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर 5% की दर से जीएसटी लगाना सरासर गलत है। इस प्रकार जीएसटी लगाना महंगाई को पंख लगाने वाला कार्य है। नॉन ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने से पूरे देश के व्यवसायियों में आक्रोश है। आनंद तिवड़ा, आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने खाद्यान्न वस्तुओं पे जो जीएसटी 5% लगा के और जो जनता के ऊपर अतिरिक्त भार डाला है। झुंझुनू के इस्लामनगर में पति और तेवर से मिलकर की महिला की पिटाई। घायल महिला और उसके नन्हे नन्हे बच्चों ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। छुरी नुमा हथियार से महिला के सिर में किया पति और देवर ने वार। महिला के सिर पे आई गंभीर चोट। महिला अपने बच्चों के साथ पहुंची एसपी कार्यालय। झुंझुनू के इस्लामनगर के रहने वाली एक रूबीना नामक महिला पर आज उसके ही पति जाकिर और उसके देवर व ससुराल पक्ष के अन्य 2-3 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे महिला के सिर में गंभीर चोट आई है। महिला अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ इंसाफ के लिए एसपी कार्यालय पहुंची। महिला ने बताया कि उसके पति और उसके देवर व ससुराल पक्ष के कुछ लोग एकजुट होकर उसको मारना चाहते हैं, उसका हिस्सा हड़पना चाहते हैं। आज उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद महिला कांस्टेबल बीडी के अस्पताल में ले जाकर महिला का इलाज करवाया। खबर लिखे जाने तक महिला कोतवाली थाने में अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करवा रही है। झुंझुनू के इस्लामनगर में पति और तेवर से मिलकर की महिला की पिटाई। घायल महिला और उसके नन्हे नन्हे बच्चों ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। छुरी नुमा हथियार से महिला के सिर में किया पति और देवर ने वार। महिला के सिर पे आई गंभीर चोट। महिला अपने बच्चों के साथ पहुंची एसपी कार्यालय। झुंझुनू के इस्लामनगर के रहने वाली एक रूबीना नामक महिला पर आज उसके ही पति जाकिर और उसके देवर व ससुराल पक्ष के पत्नी हूँ। मैं इस्लामनगर में रहूँ, बटवाड़ा का मोहल्ला, तो मैंने मेरा पुराना मकान है, ठीक है ना। आज 10 दिन से मेरा घर में विवाद हो रहे। मेरी ननद समीम, मेरा देवर जाफर, दौलत, राजू और जाकिर
ये पांचों भाण भाई मिलकी प्लानिंग कर रखी है कहना खत्म करांगा पांचों माँ चारों माँ बेटा ने। मेरा देव मेरा आदमी बड़ा मन मारी है, मैं आदमी मारी मेरा आदमी मेरा भुग दे की थी सिर का मायने मेरा आदमी मेरा देवर है वो मेरा भी की थी बेस बोल की थी मेरा देवर मेरा के नाम था देवर को जफर राजू दौलत चार भाण भाई मैंने बहुत बुरी मारी है। मेरा बच्चा खाना खा रहा बने कोई नहीं मारिया बने कौन मारिया बने बुझो तो सही मेरा बच्चा का फूट देख लियो खड़ा भी है तो और मैंने सिर्फ एकली ने मारी है और पब्लिक जगह का छत्ती पर कोई कभी हाथ है कोई अपनी भाण की भी अगर मेरी ये इतनी मेहरबानी कर दियो कि मैं तारी कोई की बेटी हूँ कोई की भाण हूँ तो इतनी ही माँ की इतनी सुन लियो कि आज मेरे हक में और जितना भाई बड़ा देख के ही मैंने मार खाती ने तो मेरा बच्चा के लिए मैं तारा हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ मेरा बच्चा का और मेरा साथ दो। नमस्कार, देसी खबर झुंझुनू में आपका स्वागत है। खबर नवलगढ़ क्षेत्र के बिरोल गांव के नज़दीक की है जहां एक महिला बड़ा हादसा होने पर बाल बाल बच गई। जानकारी के अनुसार एक महिला अपनी गाड़ी लेकर आ रही थी, वही अचानक एक बाइक सवार व्यक्ति आने से उसे बचाने के लिए गाड़ी को साइड में दबाया, लेकिन गाड़ी कंट्रोल न होने के कारण बिजली के पोल से टकरा गई। इसी दौरान पोल टूटकर गाड़ी के ऊपर कंडक्टर साइड गिर गया। गरिमत यह रही कि महिला को चोट नहीं आई और वह एक बड़ा हादसा होने पर बच गई। सिंचाई के लिए नहर की मांग को लेकर जारी किसान सिंचाई जल आंदोलन का हस्ताक्षर अभियान आज हमीनपुर गांव बेरी गाडोली पहुंचा, जहां ग्रामवासियों ने अभियान को भरपूर समर्थन दिया। पूर्व सरपंच हमीनपुर सुभाष गाडोली से, प्रदीप सोनी बेरी गांव से, पूर्व सरपंच जगदीश सिंह शेखावत व देवी सिंह शेखावत की अगुवाई में हस्ताक्षर करवाए गए। अभियान का नेतृत्व कर रहे पार्षद राजकुमार नायक ने बताया कि जिले में इस भूभाग में भूमिगत जल लगभग समाप्त हो गया है, जिसकी वजह से किसानों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। खेती व किसानों को बचाने के लिए नहरी एकमात्र रास्ता है, लेकिन दुर्भाग्य से सरकारें इस मुद्दे पर खामोश है, जबकि किसान मदद की आस में सरकार का ही मुंह देख रहा है। पार्षद राजकुमार नायक ने कहा कि आंदोलन को काफ़ी सहयोग मिल रहा है जो उत्साहजनक है। आज हस्ताक्षर अभियान में कोच कमल नायक, सावरमल डंगला, लक्ष्मण सिंह भाटी आदि मौजूद रहे। नहर सिंचाई जल आंदोलन पिछले 10-12 दिनों से लगातार गांवों में ढाणियों में जाकर लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न कर रहा है। ये हस्ताक्षर अभियान माननीय प्रधानमंत्री को आगामी दिनों में पैदल यात्रा करके और उनको सौंपा जाएगा और इस पिलानी क्षेत्र व आसपास के गांवों की स्थिति के बारे में अवगत करवाया जाएगा। पिछले अरसों में काफ़ी बारिश, नहर सिंचाई की जो योजना है उसके बारे में काफ़ी बार मुद्दे उठे हैं, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को कोई भी एक जीर्णोद्धार की जो बात कहते हैं वो नहीं मिली है। जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पिलानी के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन रहा है। श्रवण जयंती स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में 18 व 20 वर्ष वर्ग के कई इवेंट्स में पिलानी के विजेता व उप विजेता खिलाड़ी रहे हैं। अंडर 20 वर्ग में मंजीत देलवास ने 100 मीटर व 200 मीटर की दौड़ में विजेता रहे हैं। अर्चना शर्मा 100 मीटर व 400 मीटर में विजेता रही है। ऋषि जोगेंद्र 400 मीटर दौड़ में विजेता रहे हैं। राजू राजेश 800 मीटर तथा 1500 मीटर में विजेता रहे हैं। राहुल कटारिया 5000 मीटर दौड़ में विजेता रहे। सिद्धार्थ चौधरी 400 मीटर हैंडल में विजेता रहे। अंडर 18 वर्ग में 400 मीटर की दौड़ में अंकिता विजेता रही। नेहा उप विजेता रही। 800 मीटर दौड़ में संध्या किरोड़ीवाल विजेता रही। अंकिता उप विजेता रही। लंबी कूद में अनु नायक विजेता और 100 मीटर बाधा दौड़ तथा 400 मीटर बाधा दौड़ में खुशी शर्मा विजेता रही है। प्रतियोगिता में विजेता व उप विजेता रहने पर आरएफ स्क्वायर एकेडमी के खिलाड़ियों का कोच कमल नायक व पूर्व जिला खेल अधिकारी मनीराम नायक, पार्षद राजकुमार नायक, अध्यापक अनिल कुमार ने मिठाई खिलाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। प्रतियोगिता के विजेता व उप विजेता खिलाड़ी आगामी 28 अगस्त से चूरू में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
मजदूर को बंधक बनाकर करवाया काम की मारपीट, आजाद की पशु डेयरी पर बंधक बनाकर करवाया काम। मजदूर अशोक कश्यप का आरोप, 18 घंटे करवाते थे काम, काम करने से मना किया तो पीट कर किया बुरा हाल, काम करवाने के बाद भी नहीं देते थे पेट भर खाना। बचते बचाते अशोक पहुंचा सुरजुडोला ग्रामीणों के पास, झांसे में फंसाकर अंबाला से लेकर आए थे छपड़ा सरदारपुरा, यूपी के तेंदुली जिला मऊ का है मजदूर अशोक कश्यप। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप शेखावत सहित ग्रामीणों ने की मदद, ग्रामीणों ने सूरजगढ़ पुलिस थाने ले जाकर पुलिस को किया सुपर्द। अशोक कश्यप की आप बीती उसी की जवानी। आप कौन सी जगह से आए और आपका नाम क्या है? मेरा ग्राम तेंदुली पोस्ट पड़गढ़ जिला मऊ, और दिल्ली से पकड़ा ट्रेन अम्बाला तक आया हूँ। अम्बाला काम नहीं मिला तो वहाँ से मैं सीधे जो वहाँ बैठे बैठे और दो तीन बंदे थे उन लोग के साथ में जो है गड्डी वाला एक आया, बोलता है चलो काम मिलेगा मुर्गी फार्म का है, और मुर्गी फार्म को दिखा के और यहाँ पे जो है गाय के तबेले में लेके आए। अच्छा। तबेले में लेके आए तो बोलते हैं कि सुबह में तुम लोगों को काम मिल जाएगा, तो सुबह में जो है कि शाम में लेके चले गए, दो हम लोग रह गए वहीं पे परे रह गए, तो बोलते हैं कि चलो तुम लोगों को कहीं नहीं काम करने का, यहीं करने का है। अच्छा। तो बुड्ढा बोला कि मेरे से नहीं जमेगा, तो बोलता है तुम तो पहले रहो, रुको यहाँ पे, तुम अभी कर लोगे। अच्छा। मैं बताऊंगा ना कैसे कैसे करना है। तो बुड्ढा धीमे से जा रहा था तो उसको जाने पहले नहीं दिया, उसको धक्का मार के बाहर कर दिया, मेरे को धक्का मार के अंदर कर लिया, बोला तुम नहीं जाओ, तुमको जाने नहीं दूंगा मैं। और उसके बाद बोलता है चलो काम करो, जाके गोबर चकाना शुरू कर दिया, गोबर चकने चालू जो मतलब आपके पास मतलब कि सामान वगैरह लेके आए थे घर से वो? हाँ, सामान लेके आया हूँ ना, पूरा बैग वैग सब था, मेरा कपड़ा लगता है पूरा, उसमें जो है पर्स वर्स है। अच्छा। और उसमें पैसा भी है, दो तीन हजार रुपया, 3,000 रुपया लेके आया था, 3,000 में खाते पीते हुए मेरे 1,300-1,400 रुपया बचा है उसमें। मोबाइल भी है, मोबाइल भी सब ले लिए, बैग भी ले लिए लोग। और उसके बाद बोला जा गोबर चको, मैं गोबर चकने लगा, जो बाहर में बैग था बैग तो है ले आके घर में ले जाकर रख लिया। और आपके साथ कुछ मारा छेड़ी भी उस समय? तो उस टाइम तो नहीं मारा, पहले बताया कि जाके गोबर चको, तो धीमे धीमे गोबर उठाना चालू किया तो बोलता तेजी में उठाओ, जब अंदर आ गए उठाने लगा तो बोलता है ऐसे नहीं उठाना जाता है, तेजी में उठाओ। तो उसके बाद जब मुँह निकालने गया तो भड़ भड़ मारना चालू कर दिया, पहले मुँह पे मारा, मम्मी जी मतलब कि एक दो दिन आपको नहीं मारा, फिर मारना स्टार्ट कर दिया। पहला दिन तो नहीं मारा, दूसरे का दिन से मारना चालू कर दिया। वो लेडीज भी मारती थी आपको? हाँ, पहले लेडीज से मारी थी, मम्मी जी ने मारी थी पहले। तो मतलब यहाँ पे आप आए हो तो कैसे आए हो? यहाँ पे आया तो मैं उसी चक्कर में आया, तो यहाँ पे जैसे मैं भाग के आया हूँ। भाग के आये हो? हाँ, उस घर से भाग के आया। हाँ, उस घर से जो ऐसे है कि मैं 3-4 दिन 5 दिन काम किया, जब मारो एकदम लगे उसके बाद मेरे को चल नहीं पाते थे, एकदम मजबूर हो जाते थे, तो उसके बाद गिर जाते थे काम करते करते गिर जाते थे। और 25-30 भैंसे हैं, और भैंस को देखते देखते मैंने थक जाता था, 2-3 बजे बाद जो है वो रोटी, 2 रोटी लाते थे, और जो है कि उसके बाद मेरे को लस्सी ला के देते थे, वही खा के फिर उसके बाद सोता था। आपको भरपेट खाना मिलता था फिर ऐसे? नहीं, भरपेट खाना नहीं मिलता था, भरपेट वही जो है शाम के टाइम भरपेट मिलता था। तो भरपेट क्या मिलता था?